गाइस रेडी हो गया फाइनली पूरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को ममसाम ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहते हूँ, वो नागालैंड में ना बितुल भैया और मोनू भैया घूमने के लिए कुछ दिन के लिए गया था ना, तो वो दामम्स ब्लॉग वीडियो देखा हूँ ना, उसका वीडियो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो उसका दामम्स ब्लॉग उसका वीडियो देखते देखते एक तो वीडियो क्लिप देखा हूँ, मुनू भैया ने मेरा वीडियो देखता है बोला है, तो वो वीडियो देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। तो आप लोग भी देख लीजिए ये वीडियो क्लिप। आपका जो फेवरेट ब्लॉगर है वो कौन सा वाला? तो भी ऑनेस्ट, मैं किसी को भी देख के मैं इंस्पायर नहीं हुआ, मैंने किसी का मैं ब्लॉग में देखता भी नहीं हूँ। मुझे मतलब मैं बहुत मतलब गिने चुने लोगों को मैं देखता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एक है मोमसम ब्लॉग बोल के, मोमसम ब्लॉग बितुल का बहन है, मुझे उसका ब्लॉग मुझे बहुत एंटरटेन करवाता है। थैंक यू मोनू भैया, थैंक यू सो मच, आप मेरा वीडियो देखते हो और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आपका वीडियो देख के। पहले भी बहुत सपोर्ट किया है और आशा है कि और भी सपोर्ट करेंगे। मोनू भैया का साथ जो छोटा यूट्यूबर वीडियो बनाएगा तो वो छोटा यूट्यूबर पूरा सब्सक्राइब मिलेगा, व्यूज आ जाएगा। सच में गाइस, मोनू भैया का साथ जो लोग वीडियो बनाता है व्यूज आता है एंड सब्सक्राइब लोग देता है। मोनू भैया को बहुत लोग पसंद करता है और मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मोनू भैया, थैंक यू सो मच दिल से। जब हम लोगों का नया घर कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो मैं मोनू भैया को इनवाइट करूंगी, हमारा घर में बुलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी मजा से। दोस्तों आप लोग देखते रहिए, हम लोग का घर कब रेडी हो जाता है। रेडी होने से मैं मोनू भैया को जरूर इनवाइट करूंगी, मुझे बहुत शौक है इनवाइट करना, चाहती हूँ भैया को, मैं सगा भैया मानती हूँ मोनू भैया को। और दोस्तों नागालैंड से भी नया नया व्यूअर्स आया है, पिछले वीडियो में नया नया सब्सक्राइबर आया है वो भी नागालैंड से, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, नागालैंड से देखा हो या असम से, जहाँ से भी देख रहे हो, थैंक यू आप सभी लोगों को, मेरा व्यूअर्स को, सभी लोगों को भर रही हूँ। और दोस्तों अभी मेरा पति देव सुबह सुबह पूरी बना रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी ना, फर्स्ट टाइम बहुत दिन के बाद पूरी बना के खिलाएगा हम सभी लोगों को मेरा पतिदेव ने। मेरा पतिदेव आर्मी है, सीआईएसएफ जॉब करता है, तो जब से आर्मी बन गया है ना, फौजी में काम करता है, तब से पूरी खाते खाते पूरा आदत हो गया है, तो बिना पूरी से सुबह में रह ही नहीं सकता है, ब्रेकफास्ट में पूरी खाना चाहता है। मेरा हस्बैंड को आता है पूरी बनाना, वो केरला में जॉब करता है, केरला से छुट्टी आ गया है, अभी पूरी हम सभी लोगों को खिलाएगा। दोस्तों देखने के लिए ब्लॉग पर बनी रहिए इस वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ये देखो गाइस, पतिदेव बना रहा है सुबह सुबह पूरी, ये देखो आज बहुत दिन के बाद हम लोगों को पूरी बना के खिलाएगा, ये देखो गोल गोल पूरी। दोस्तों ये रहा पूरी का गोला, अभी इसको काटना है छोटा छोटा पीस करके, अभी इसको इतना ये रहा गोला हो गया, अभी इसको इतना छोटा छोटा काट के बेलना है। पूरी बना रहा हूँ, हम लोग का लड़की लोग को बनाने को नहीं आता है, सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाला है और अभी बनाएगा पूरी, हैंडसम हैंडसम पूरी। देखो दोस्तों वाओ, मेरा पतिदेव को आता है इतना बढ़िया से बनाना पूरी, हम लोगों को तो नहीं आता है। केरला में ना ये बहुत खाता है पूरी, इसलिए आदत हो गया है, इसलिए
हम लोग का यहाँ में आके भी खाने को मन हो रहा है पूरी, इसलिए खाने के लिए बना रहा है पूरी सुबह सुबह, देख सकते हो गैस। ये देखो और यहाँ मेरी वाइन तेल भी गर्म हो चुका है और भी बना रहा है पूरी। वाह इतना बढ़िया से बनाया है, पूरा गोल गोल है, फूलेगा के नहीं फूलेगा। यहाँ में बुन के रखा हुआ है और बना रहा है। हम लोग का आदमी लोग, हम लोग का चकमा लोग ये सब नहीं बनाते हैं और खाते भी कम है। मैं वहाँ जाके थोड़ा खाता हूँ, इसीलिए यहाँ आके खिला रहा हूँ। इन लोग को भी मन कर रहा है खाने के लिए, इसलिए बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हम लोग को बना के खिलाएगा आज पूरी। बाहर का नज़ारा देखिए दोस्तों, धूप जे रहा है आज को। और यहाँ पे मैंने आलू भिगो के रखा है, ये आलू सब्जी भी बनाऊंगी रोटी का साथ खाने के लिए, सब्जी बनाऊंगी। अभी कटिंग करना है आलू, देखो गैस। और मेरा देवरानी सीधे सीधे घर को पोछा लगा रही है गैस, ये देखिए ये रूम को। अभी भी बना रहा है, कितना बनाएगा और पूरा बनाना है, ये पूरा बनाना है। देखो गैस आलू खाट करके बनाऊंगी आलू सब्जी, आलू सब्जी का साथ पूरी खाएंगे। आज हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, पूरी खाएंगे ब्रेकफास्ट में। वाओ इतना बड़ा बड़ा फूल गया है, वाओ जिंदगी में आज फर्स्ट टाइम। ये देखो गैस इतना बड़ा बड़ा फूल गया है, मेरा हस्बैंड को ना पूरा एक्सपीरियंस हो गया है पूरी बनाते बनाते। वहाँ में केरला में ना आर्मी लोग सब लोग पूरी खाता है बोला है, तो इसलिए पूरी खाते आते आदत हो गया है, इसलिए सब आता है, पूरी बनाना भी आता है, रोटी भी बनाना आता है। हम लोग का यहाँ में हर रोज दिन में चावल बनता है, लेकिन पूरी कभी भी नहीं बनता है, नहीं भी आता है हम लोग को बनाने। वाओ हैंडसम पूरी। वाओ हलार भी बढ़िया बढ़िया, देखो ना ये देखो, वाओ तस्ती तस्ती खाएंगे पूरी। और यहाँ मैं देखो गाइस मैंने तैयार कर लिया है, ये है ड्राई फिश और प्याज काट के रखा हुआ है और नमक हल्दी डाला है मैंने अभी। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, प्याज और ड्राई फिश फ्राई करना है, उसके बाद ये सब्जी डालना है यहाँ पर। ये देखो देखो आज को देवरानी ने चूल्हा रिपेयरिंग किया है, देखो चूल्हा लिपा किया है सुबह सुबह। थोड़ा सा जीरा डालना है यहाँ पर, मीट मसाला आलू और टमाटर बना रही हूँ, कलर बढ़िया आ गया है। सब्जी रेडी होने से सब्जी का साथ खाएंगे पूरी। वाओ मेरा सब्जी टेस्टी होगा गाइस, देखो फाइनली सब्जी तैयार कर लिया हूँ पूरी खाने के लिए, मेहमान आया है मेहमान को देने के लिए। गाइस रेडी हो गया फाइनली पूरी, अभी हम खाने वाले हैं पूरी। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हूँ पूरी, हाँ हाँ मजा से खाएंगे। ये देखिए कैसा हुआ है, टेस्टिंग करते हैं। सॉस में बहुत ज्यादा टेस्टी है पूरी सब्जी।
और गाइस मेरा देवरानी भी खा रहे है पूरी। खाके देखो मेरा पति का हाथों का पूरी कैसा हुआ है खाने में, थोड़ा बता दो ना देवरानी कैसा। बहुत टेस्टी टेस्टी। वाओ, आज हम लोग फर्स्ट टाइम खाया है ना। हाँ, हम लोग दोनों बहुत ही खुश है। वाह, इतना टेस्टी टेस्टी बनाया है गाइस। देवरानी भी खा रही है खुशी खुशी पूरी। सब्जी भी कैसा हुआ है, मैंने बनाया है सब्जी टेस्टी टेस्टी, बहुत टेस्टी हुआ। वाओ, थैंक यू, टेस्टी हो गया। देखो गाइस, फाइनली यहाँ पे हस्बैंड और बाबूजी यहाँ पे नया घर बनाने के लिए हम लोगों के लिए मेजरमेंट हो रहा है। बाबूजी और फतेहदेव नया घर के लिए मेजरमेंट दे रहा है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का नया घर, और उस साथ में है देवरजी देवरानी का घर रहेगा। यहाँ पे रहेगा मेरा घर। दोस्तों, अभी मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर जी बाबूजी घर के लिए मेजरमेंट ले रहा है, तो हम लोग तो अलग हो जाएंगे ससुराल से। हम लोगों के लिए नया घर बनाएगा मेरा हस्बैंड। हम लोग का चकमा लोगों से बड़ा बेटा लोग ज़्यादातर अलग ही होता है। हम लोग का खालसार नियम ऐसा ही है गैस, हम लोग का खालसार में अलग होता है। जब शादी होगा तब बच्चा बड़ा बड़ा होने से अपने आप अलग होना पड़ता है। तकलीफ है एक ही घर में रहने से। देवरानी का दो बच्चा, मेरा दो बच्चा, लगभग सार बच्चा का साथ रहने के लिए बहुत ही तकलीफ होता है, मुश्किल होता है, हल्ला दुआला करता है। इसीलिए सब लोगों का अलग अलग करके घर बसाना चाहिए, घर बनाना रहना चाहिए। मेरा घर अलग, देवरानी का घर अलग, सब लोग का घर अलग अलग होना चाहिए। और दोस्तों, अलग होने से क्या होगा, हम लोग तो फिर भी पहले में जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। और देवरजी देवरानी खाने के लिए चीज़ें और कुछ सामान वगैरह सब बाग करके मिलजुल के खाएंगे एक ही साथ में। हम लोग मीट वगैरह बनाने से ना उसको भी बाग देंगे, और वो लोग बनाने से वो लोग भी हमको बाग देगा। इसी तरह से बोला था सासुमा ससुर जी लोग, देवर जी लोग, देवरानी भी बोला था। मेरा बच्चा तो अभी तो बड़ा बड़ा हो गया है ना, एक तो हो गया है अलिफ 3 साल, एक तो हो गया है अस्मित 5 साल, तो बच्चे लोग बढ़ गया है ना, इसलिए मैं अलग से घर बना के रहना चाहती हूँ। इसीलिए मेरा हस्बैंड मेरे लिए घर बना रहा है, और सासुमा ससुर जी लोग भी परमिशन दे दिया है अलग होने के लिए, वो लोग उधर दिया है घर बनाने के लिए, इसलिए हम लोग बना रहे हैं घर। देखो दोस्तों, मेरा देवरानी खाना पका रहा है, ये देखो खाने में बना रहे हैं सब्जी, मूली का बीज, ये देखो। और ये है करेला, करेला बनाएगी। और दोस्तों, हम लोग अंडा खीरी बनाएंगे, ये देखो उबाल रहा है अंडा। और ये टमाटर का साथ बनाएंगे अंडा। और यहाँ पे है क्या है, ये खीरा छतनी खाएंगे। वाओ, मेरा देवरानी खीरा सतनी बना रहे हैं गाइस, और मैं ये खातूंगी टमाटर थीन तो। ये देखो दो लड़की आया है, सुंदर सुंदर बोला मेहमान, उन लोगों को खिलाएंगे अंडा खीरी का साथ टमाटर बना के खिलाएंगे। मेरा बाया का बेटे बेटी बेटी वो लोग वीडियो में नहीं आती है गाइस, खाना खाते वक्त में दिखाऊंगी ना, शर्म लगता है। छील लिया हूँ फाइनली अंडा उबाल के और खाद के रखा है। थोड़ा प्याज थोड़ा पकने देते हैं, उसके बाद ये अंडा डालूंगी। लंच रेडी होके खाना खा रहा है गाइस, देखो मेहमान लोग खाना खा रहा है, उधर है बच्चे लोग, मेरा देवरानी भी खा रही है खाना।
अंडा खिरी देखो गाइस, सस्ती खीरा सस्ती एंड मूली का बीज एंड करेले। लंच कर लिया है दोस्तों एंड बर्तन वगैरह भी फाइनली साफ कर लिया हूँ और मेरा देवरानी गया है बर्तन मसने के लिए। अभी आपको दिखाएंगे ना दोस्तों, मेरा देवरानी फिर कान नीचे में साया में बर्तन मस रही है। देखो ज़्यादा धूप दे रहा है गर्मी का वजह से, फिर कान नीचे में साया में मस रही है बर्तन। ये देखो यहाँ में आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली नया घर बनाने के लिए मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। ये देखो सुबह का टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ है बट अभी अभी जस्ट कंप्लीट हो गया है। और गाइस ये है बिम्बो, ये है हमारा ट्रेडिशनल नियम है। ये देखो बिम्बो पर आम का पत्ता लगाया जाता है और यहाँ में बेटेगा पक्का वाला पिलर। सबसे ज़्यादा फर्स्ट में पहले में इसको लगाया जाता है, उसका बाद नया घर बनाना पड़ता है। हम लोग का नियम है ट्रेडिशनल, देख सकते हो पूरा मेजरमेंट हो गया कंप्लीट। पत्ता देखो आम के पत्ता जरिया से नियम बनाया जाता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। और दोस्तों आज का ब्लॉग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।